नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। कल बीएसएससी के द्वारा यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL 3 का PT का रिजल्ट घोषित किया गया। 11,240 कैंडिडेट सफल हुए। 5 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट PT परीक्षा में शामिल हुए थे, जो कि 3 पालियों में लिया गया था। रिजल्ट आने के बाद तरह तरह की बातें निकल के आईं और कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आरोप लगाए गए, जिसमें यह कहा गया कि 2 रोल नंबर जो है वो प्रथम पाली जो कि कैंसिल हुआ था, उसका पुनः परीक्षा 5 मार्च को हुआ था, कैंसिल हुए पाली के 2 रोल नंबर जो हैं इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद आयोग के द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया गया, एक पत्र जारी किया गया है जो आप देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि विज्ञापन संख्या ये तृतीय सचिवालय सहायक को लेकर है। दिनांक 23/12/2022, 24/12/2022 और 5 मार्च 2023 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत नियमानुसार विभिन्न कोटियों में कुल 11,240 अभ्यर्थियों को मेधानुसार मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया। मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए 11,240 अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक सूचना ज्ञापन 22/44 दिनांक 30/5/2023 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई। परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत कतिपय व्यक्तियों द्वारा यह भ्रामक अफवाह फैलाया जा रहा है कि 23/12/2022 की प्रथम पाली की रद्द परीक्षा के अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 23/12/2022 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की गई। परीक्षा की पुनर्परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित की गई। प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को पूर्व में जो ये नंबर दिया हुआ है 400001 से 4030383833 तक अनुक्रमांक आवंटित किया गया था। इसी अनुक्रमांक के रेंज को कंप्यूटर द्वारा रैंडमाइजेशन करते हुए अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा हेतु नए अनुक्रमांक आवंटित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में जो अनुक्रमांक थे उन्हीं को रैंडमाइज कर आवंटित किया गया। इसी रैंडमाइज्ड नए अनुक्रमांक के आधार पर प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल पूरी तरह स्वच्छता, सुचिता और पारदर्शिता से तैयार किया गया है। आयोग पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता से अपने कार्यों के प्रति सजग है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उक्त परीक्षा के संबंध में कई भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और किसी के बहकावे में न आवे। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि परीक्षा की शुचिता एवं स्वच्छता तथा अभ्यर्थियों का हित आयोग के लिए सर्वोपरि है और इसे सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य दायित्व तो है। चलिए, ये आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन ये पारदर्शिता, शुचिता, स्वच्छता की बात करते हैं तो जो इसके लिए नियम बनाए गए हैं, जिसे देश की सर्वोच्च भर्ती इकाइयां भी फॉलो करती है, वो BSSC के द्वारा क्यों नहीं फॉलो किया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने कह दिया शुचिता, स्वच्छता और छात्रों का हित जो है सर्वोपरि है, लेकिन छात्रों के लिए ही ये कहा जाता है कि क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, कार्बन कॉपी जो है OMR का वो आप लिखते हैं, उस पर स्टूडेंट कॉपी देते नहीं हैं, आंसर की जारी नहीं करते हैं, कट आप जो है छात्रों के प्राप्तांक नहीं बताते हैं, जबकि UPSC जैसी संस्था जो है ये कार्य करती हैं, बिहार में BPSC संस्था ऐसी कार्य करती हैं, और आप पर तो कई आरोप लग चुके हैं। देखा जाए तो प्रथम इंटर स्तरीय में BSSC पर कई गड़बड़ी के आरोप लगे। आपके प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन के दौरान लिख कर गया, जिसने आपने प्रथम पाली का एग्जामिनेशन रद्द किया। इसके अलावा बता दें, आपके परीक्षा काफ़ी विवादित रहे हैं। छात्रों का ये आरोप है कि तीनों पालियों के प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद ही सही लेकिन बाहर आए, जबकि एग्जामिनेशन में ना मोबाइल ले जाने की इजाज़त थी, ना क्वेश्चन आप बाहर लेकर आने की इजाज़त देते हैं, तो ऐसे में आयोग पर छात्र कैसे विश्वास कर ले। और यही कारण है कि अफवाहें उड़ रही हैं, यही कारण है कि आरोप लग रहे हैं, और ये हमेशा से लगते हैं। लेकिन आयोग अपनी कार्य प्रणाली को नहीं सुधारता है, और पारदर्शिता के लिए जो मानक बनाए गए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, उसको फॉलो नहीं करती है, और सिर्फ ये कहती है कि छात्र हम पर विश्वास करें, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए।
आज हर एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक बताए जाते हैं। चाहे बच्चा नर्सरी से लेकर एमए पीएचडी तक क्यों ना कर ले, वो जितने परीक्षा में शामिल होता है उसके क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं और उनका प्राप्तांक बताया जाता है। जरूरत पड़ने पर कॉपी भी उनको दिया जाता है। आप देख ले, आरटीआई से बीपीएससी कॉपी भी देती है। अब तो बीपीएससी ओएमआर का जो फोटो कॉपी है वो अपलोड कर देती है हर एक छात्रों का। शिक्षक परीक्षा में भी अपलोड किया जाएगा, तो बीएसएससी ये क्यों नहीं करती है? अगर ये काम आप करेंगे तो आप पर कोई आरोप नहीं लगाएगा, हम भी आपसे नहीं प्रश्न करेंगे। लेकिन यही काम आपके द्वारा नहीं किया जाता है। कोई छात्रों से ना बात किया जाता है, ना कोई समय सीमा का पालन किया जाता है, ना ही पारदर्शी नियमों का पालन किया जाता है। इसी कारण अफवाहों को बल मिलता है, इसी कारण आरोपों को बल मिलता है और लगातार आरोप पर आरोप लगते रहते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए ज़रूरी है आयोग को कि जो लोकतांत्रिक नियम हैं, जो परीक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर देना, आंसर की देना, अगर आप ओएमआर का कार्बन कॉपी रंगवाते हैं तो वो तत्काल उसी समय छात्रों को सौंप देना परीक्षा के बाद, प्राप्तांक बताना कि कितने आपके अंक आए, ये आपका फर्ज है बताना। और ये जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आरोप लगते रहेंगे, भले ही उसको आप अफवाह करके टाल दें, लेकिन इसके कारण आपकी छवि पर, आपकी विश्वसनीयता पर, आपकी ईमानदारी पर, आपकी शुचिता पर, आपके छात्रों के हित सर्वोपरि कहने वाली बात पर प्रश्न जरूर उठते रहेगा और उठाते रहेंगे लोग। तो ज़रूरत है आयोग को लोकतांत्रिक नियम को अपनाए। पारदर्शिता केवल कह देने भर से नहीं होता है, उसके लिए प्रमाण भी देना जरूरी होता है, उसके लिए जो बनाए गए नियम है उसका भी पालन करना जरूरी होता है। तो गुजारिश है आयोग से, आप इतने जिम्मेदार पदों के लिए भर्ती कर रहे हैं, लाखों लाख कैंडिडेट आपके भरोसे परीक्षा दे रहे हैं, तो ज़रूरत है कि आपको ईमानदारी सिद्ध भी करना पड़ेगा। और जो प्रक्रियाएँ हैं जो पारदर्शिता को मजबूत करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, उसके क्षेत्र में भी काम किया जाए। और क्वेश्चन पेपर आंसर की कार्बन कॉपी जो है वो सौंपा जाए और सभी छात्रों के प्राप्तांक बताए जाएं। तो आशा करेंगे कि आयोग कम से कम इस पर आगे कार्रवाई करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।